हेलो दोस्तों, आई होप सभी लोग अच्छी सी प्रैक्टिस कर रहे होंगे चेस में। ऑनलाइन लीग चेस या chess.com, chess24, बहुत सारी वेबसाइट है ऑनलाइन की, उसमें आप प्रैक्टिस भी करते होंगे मेरे वीडियो देखने के बाद और ओपनिंग सीखने के बाद आप अच्छी तरह से गेम खेलते होंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं ऑनलाइन कोचिंग करता हूँ, तो जिसको भी इंटरेस्टेड है, जो चेस में स्टेट लेवल या नेशनल लेवल में खेलना चाहते हैं, वो मुझे संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है, ये है F7 पे अटैक के ऊपर। F7 या F2, ये दो जो डेंजर स्क्वायर है, किंग के नज़दीकी स्क्वायर, यहाँ पे जब अटैक होता है तब संभालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो कौन सी गेम में, कौन सी लाइन में कैसे अटैक होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा फिलिडोर डिफेंस के बारे में। फिलिडोर डिफेंस एक ऐसी ओपनिंग है, डिफेंसिव ओपनिंग है, जिसमें अगर ब्लैक ने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी स्टार्टिंग में, तो आप तुरंत कैसे अटैक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। e4, e5, nf3, d6, ये जो लाइन है d6 यानी फिलिडोर डिफेंस, यहाँ मोस्टली मेनली d4 भी खेला जाता है वाइट से, लेकिन बिशप c4 इज बेटर, क्योंकि आप डायरेक्टली f7 पे टारगेट बना रहे हो तुरंत ही। बिशप c4, अगर ब्लैक ने नाइट e7 कर दिया तो यहाँ उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। नाइट f6 वॉज बेटर, यहाँ आप तुरंत अटैक कर सकते हो नाइट g5 से f7 पे। अब ब्लैक के पास एक ही ऑप्शन है, पॉन ऑन d5, वरना इस पॉन को कोई गार्ड नहीं कर सकेगा, और नाइट f7 के बाद रुक पे भी थ्रेट है, क्वीन के भी थ्रेट है। तो d5 फोर्स मूव है दोस्तों, यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन, देन नाइट टेक्स d5, और अब क्वीन f3 विद डबल अटैक ऑन f7, चेकमेट, और नाइट के ऊपर भी अटैक है। क्वीन टेक्स g5, ये मेरे हिसाब से फोर्स मूव है, क्योंकि अगर बिशप e6 किया ब्लैक ने यहाँ पे डिफेंड करने के लिए, तो नाइट टेक्स e6, पॉन टेक्स, देन क्वीन चेक एंड क्वीन टेक्स पॉन, और अनदर अग्रेसिव अटैकिंग मूव विद डबल अटैक ऑन रूक एंड e6 पॉन, तो ये वाइट के लिए एकदम टोटली विनिंग चांस है। इसीलिए क्वीन इंटू g5, तो क्वीन इंटू g5 के बाद बिशप टेक्स d5 करेंगे, यहाँ पे भी डबल अटैक है b7 पॉन के ऊपर और f7 पॉन के ऊपर। ब्लैक इसे कैसे सेव कर सकता है, हालांकि f5 में बिशप टेक्स b7, देन e4 क्वीन b3 और क्वीन टेक्स g2 रुक f1, देन वाइट विल सिंपली विन द गेम, क्योंकि ब्लैक का रुक फोर्सफुली कैप्चर हो रहा है और ब्लैक अभी कोई अटैक नहीं कर सकता, ओनली क्वीन बाहर है। बिशप c5 भी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि रुक f1 गार्ड कर रहा है किंग के f2 स्क्वायर को। तो दोस्तों, ये थी पहली गेम जिसमें फिलिडोर डिफेंस में आप ऐसे अटैक कर सकते हो। फिर से आप देख लीजिए, फिलिडोर डिफेंस e4 e5 nf3 d6 देन bc4 knight e7, ये अटैक नाइट e7 के बाद ही हो सकता है। हालांकि नाइट e7 के बदले अगर ब्लैक ने nf6 किया, तो यहाँ पे आपको सिंपली गेम प्ले करना है कि आप d4 करके ब्रेक करके सेंटर ब्रेक करके खेल सकते हो। उसके बारे में मैं भी दूसरा वीडियो जब बनाऊंगा आपको बताऊंगा। यहाँ पे d5 देन फोर्स मूव, सारे फोर्स मूव आते हैं, देखिए आप सभी मूव फोर्स है दोस्तों। तो ये गेम कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और दूसरा मैं वेरिएशन आपको बताता हूँ अभी। दोस्तों, मेरी दूसरी जो गेम है, आप लोगों के सभी लोगों की मोस्टली फेवरेट होती है सिसिलियन डिफेंस के बारे में, तो व्हाइट से ये गेम कैसे अटैक करते हैं अगेंस्ट सिसिलियन, ध्यान से देखिए। सभी मूव नेचुरल है और ओपनिंग के ही मूव है, इसमें कैसे ट्रैप में लेते हैं, ऐसा नहीं कि ब्लैक ने कुछ अनऑर्थोडॉक्स खेला है, लेकिन क्लियरली बुक टू बुक खेला है, फिर भी व्हाइट कैसे अटैक करता है ध्यान से देखिए। e4, c5, नाइट f3, d6, नेस्डॉर्फ वेरिएशन का ये मूव है d6, d4, देन पॉन टेक्स, नाइट टेक्स, ये सारे बुक मूव है दोस्तों। nf6 में रिप्लाई होता है nc3, और nc3 के बाद a6
ज्यादा इम्पोर्टेंट मूव है बिशप A2। वेरिएशन है इसमें नेक्स्ट में, बहुत सारे वेरिएशन आप खेल सकते हो, जैसे कि F4, क्वीन F3 वाली लाइन भी है इसमें। क्वीन C7 ये भी नेचुरल मूव है। बिशप G5, Nb D7, कैसल E6 ये भी नेचुरल है। बिशप H5 ये एक ट्रिकी मूव है दोस्तों व्हाइट की ओर से। बिशप H5 अगर नाइट इंटू H5 करता है तो स्ट्रॉन्ग नाइट जो डिफेंड कर रहा है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्वीन टेक्स H5, सिंपली अटैक ऑन F7। यहाँ पे क्वीन C4, अब देखने वाली बात है, बहुत ही जबरदस्त सेक्रीफाइस गेम, नाइट टेक्स E6। अब नाइट सेक्रीफाइस पॉन से नहीं ले सकते, पॉन ऑलरेडी पिंड है, और नाइट टेक्स बिशप की भी नेक्स्ट थ्रेट है, नाइट C7 भी हो सकता है। यहाँ पे क्वीन टेक्स E6 नेचुरल मूव है, पीस मिलता है कौन नहीं लेगा। उसके बाद नाइट डी फाइव में क्वीन किंग D8 फोर्स आई थिंक, क्योंकि नाइट C7 फोर्क के बाद क्वीन लॉस हो रही है, रुक के भी ट्रिपल फोर्क आ रहा है, तो किंग D8 बिशप G4 ब्रिलियंट मूव, क्योंकि क्वीन टेक्स बिशप पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी F6 नाइट पिन है यहाँ पे। क्वीन E5 और F4, आफ्टर F4 क्वीन टेक्स E4, अगर पहले क्वीन टेक्स E4 करते तो भी यही पोजीशन आती, बिशप टेक्स D7, बिशप टेक्स D7 क्योंकि नाइट ऑलरेडी पिन है, और किंग से लेंगे तो नाइट B6 फोर्क से रुक भी मिलता है, और उसके बाद नाइट F6, और यहाँ पे वाइट सिंपली विन द गेम, क्योंकि क्वीन पे अटैक है आफ्टर G takes F6 और Bishop takes F6, सिंपल आपको रुक भी मिलता है। तो ये ब्रिलियंसी है इस गेम में। अगर इसमें थोड़ा हम मूव पीछे ले लेते हैं, सपोज किंग D8 नहीं करते हैं और ब्लैक Knight takes D5 करते हैं तो क्या होता है, तो भी वाइट विन होता है। अगर Knight takes D5 में पॉन टेक्स नाइट, देन क्वीन F5 RE1 चेक, अब फोर्स मूव है Knight E5, आफ्टर F4 सिंपली वाइट विल द गेम। तो दोस्तों ये है सिसिलियन डिफेंस की ट्रैप। चलो दोस्तों एक और गेम दिखाता हूँ सिसिलियन डिफेंस के ही बारे में है, बहुत ही बढ़िया। F7 पे अटैक कैसे करते हैं, E4 C5 NF3 NF6 NF6 सिसिलियन वेरिएशन कहा जाता है इसे। इसमें एडवांस पॉन Knight D5, जैसे थिंक लाइक आलेखाइन की एक ओपनिंग है, सब लोगों ने देखी होगी आलेखाइन डिफेंस, सेम स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, E6 देन Knight D5 और पॉन टेक्स नाइट, आफ्टर D4 D6 बिशप G5 क्वीन A5 चेक C3। यहाँ पे वाइट ने अटैक कैसे किया है, खास ध्यान रखो कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, आफ्टर C takes D5 बिशप D3 वन मोर पॉन सेक्रीफाइस, पॉन टेक्स पॉन और कैसल, पॉन टेक्स पॉन। अब आप बोर्ड के ऊपर देखिए कि ब्लैक के पास 8 पॉन्स जिंदा है, टोटल 8 पॉन्स, और वाइट ऑलरेडी लॉसेस हिज 3 पॉन्स, और अटैक भी है रुक के ऊपर, लेकिन व्हाइट ने कंप्लीटली कैसलिंग कर दिया है। कंपेंसेशन ये है कि व्हाइट के सारे पीसेस एक्शन में है और कंप्लीट कैसल है। यहाँ पे रुक B1, इसके बाद क्या होता है, पॉन टेक्स पॉन, नाइट टेक्स पॉन और बिशप D6। अब ब्लैक सोचता है कि मेरे पीसेस भी डेवलप हो गए और मैं पॉन अप हूं यहाँ पे, तो सिंपली एंड गेम अगर आती है तो ब्लैक कैन विन दिस गेम सिंपली। Knight E5, व्हाइट ने इस गेम में सोचा है कि मुझे इतने सारे जो डेवलपर पीसेस है उससे फायदा लेना चाहिए, अगर सामने वाले ने कैसलिंग कर लिया तो मेरा सभी सेक्रीफाइस फालतू जाएंगे और लॉस हो जाऊंगा इजीली। लेकिन व्हाइट ने सब प्री प्लानिंग करके गेम खेली है, आप भी ऐसे प्री प्लानिंग करके खेल सकते हो। यहाँ पे ब्लैक को कैसल नहीं देने करने देने के लिए Knight F7 नाइट सेक्रीफाइस किया विथ फॉर्क ऑन रूक एंड बिशप। यहाँ फोर्स मूव आएंगे King into F7, उसके बाद ब्लैक रुक F8 और King G8 कर नहीं सके, आर्टिफिशियल कैसलिंग नहीं कर सके, इसलिए Queen H5 चेक G6 देन Bishop takes G6
माइनर पीस सेक्रीफाइस कर दिया और सामने उसे कंपेंसेशन में व्हाइट को रूक मिल रहा है, एक पॉन भी ले लिया है और क्विंटेक्स रूक। ब्लैक प्रॉब्लम है बिशप f5, रूक b1 वाले रूक पे अटैक किया है ब्लैक ने। अगर b1 वाला रूक हम मूव करेंगे तो b1 क्वीन बन के भी आपको रूक देना पड़ेगा। यहां पे ब्रिलियंट मूव है व्हाइट की, rfe1 विथ चेकमेट थ्रेट है क्वीन e8 से। तो बिशप d5, एक और ब्रिलियंस यहां देखने को मिलेगी रूक इनटू d5 आफ्टर पॉन टेक्स रूक देन क्वीन f6 चेक। अगर किंग g8 जाता है तो क्वीन e6 चेक देन किंग f8 देन क्वीन d6 चेक। और इसके बाद आप देख सकते हो कि पॉन तो हो गए इक्वल और पोजिशनली व्हाइट एकदम स्ट्रांग हो गया है, दो दो पीस अटैक में है। कभी भी b2 का पॉन उसे मिलने वाला है विथ डबल अटैक, वो चाहे तभी ले सकता है। क्वीन f6 चेक देके भी मार सकता है। तो सिंपली और डेवलप भी तीनों पीसेस है व्हाइट के, तो यहाँ पे क्लियर कट विनिंग है। अगर वो चेक में किंग e8 जाता है सपोज, तो मेट इन टू क्वीन e6 देन बिशप h6। तो दोस्तों ब्रिलियंट गेम थी आपके सामने। अगले वीडियो में मैं इससे भी जबरदस्त गेम्स लेके आऊंगा और बहुत सारी आपको f7 पे अटैक कैसे करते उसके बारे में बहुत सारे वीडियो बनाने हैं मुझे और भी। तो वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने ग्रुप में जो भी इंटरेस्टेड है उनको शेयर जरूर कीजिए और हो सके तो लाइक जरूर कीजिए। आपकी लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का। थैंक यू, जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।